हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो छत्तीसगढ़ में कल दो पार्ट में छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में पढ़े हैं। तो अगर छत्तीसगढ़ के मिट्टियों के बारे में नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा डिटेल के साथ जितना हो सके उतना कवर करने की कोशिश की हूँ। सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट दो पार्ट में कंप्लीट की हूँ। आई थिंक वहाँ से आपसे पूरा में से पूरा यहाँ पे कवर हो गया है छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में। छत्तीसगढ़ की मिट्टी पूरा डिटेल से उसमें पढ़ाया हूँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ की जानकारी। तो छत्तीसगढ़ के जितने भी कला और संस्कृति के बारे में यहाँ के हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल के साथ। यहाँ पे हम पढ़ेंगे, कोई भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे आप छत्तीसगढ़ का, चाहे PSC, चाहे आप पुलिस वगैरह का। पुलिस का भी वैकेंसी आने वाली है, लगभग 1100 घोषणा किया गया है। कभी भी डेट आ सकता है, आज ही आपका असाइनमेंट्स का भी रिजल्ट आया है तो यहाँ पे मैं बता दूँगा। अगर रिजल्ट चेक नहीं किए तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से आप इसका रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं। कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होगा तो छत्तीसगढ़ का GS आपको सब में आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ में हरेली नामक जो पर्व, हरेली पर्व आप लोग सभी जानते हो कि छत्तीसगढ़ के निवासी है, तो हरेली पर्व हमारा छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार है। तो हरेली जो नामक पर्व निम्नलिखित किसके द्वारा इसको मनाया जाता है, किसानों के द्वारा, व्यापारी के द्वारा, जुलाहे के द्वारा या साहूकार के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके, किसानों के द्वारा इसको मनाया जाता है। कब मनाया जाता है हरेली का त्यौहार, इसका जो आयोजन कब होता है, तो सावन के महीने में श्रावण अमावस्या के दिन इसको मनाया जाता है। और ख़ास करके इसको हरेली त्यौहार में या फिर गेड़ी पर्व भी इसको कहा जाता है। या फिर मुख्य रूप से जो हमारे किसानों के द्वारा इसको खास करके मनाया जाता है, जिसमें हम जो खेती किसानी का जो सामान होता है, रापा वगैरह हो गया, बहुत सारे जो सामान होते हैं, इसको हम बढ़िया पूजा पाठ वगैरह इसमें करते हैं। जिसके तहत इसमें कौन कौन सा खेल प्रतियोगिता होती है, इसमें नारियल फेंक प्रतियोगिता होता है जो हरेली में। तो इसको याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें आपके किसानों अगर इसमें कृषि उपकरण की इसमें पूजा अर्चन वगैरह इसमें करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो श्रावण सावन के महीने में श्रावण अमावस्या के दिन इसको मनाया जाता है। तो ऑप्शन पे यहाँ पे ध्यान मत दीजिएगा, जो भी आप करेक्ट आंसर है तो कमेंट बॉक्स में आंसर लगाइएगा। ये आपका ऑप्शन हर बार करेक्ट नहीं, मतलब यहाँ पर कुछ में आपका मिस्टेक भी है, तो आपको सही आंसर इसमें ध्यान नहीं देना, आपका जो भी अवसर हो उसमें आपको ध्यान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रहस का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण क्या है। तो रहस का जो छत्तीसगढ़ी रूपांतरण आपका नाचा है, गम्मत है, पंडवानी है, या आपका डी है रहस। इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका रास का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण आपका रहस है, याद रखिएगा। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, रहस जो है आपका छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक परंपरा का इसका प्रतीक भी माना जाता है। और यहाँ पे आपके जो लोक नाट्य जो है आपका उत्तर प्रदेश के रास लीला से यहाँ पे प्रभावित है, तो इसको याद रखिएगा। रहस जो है आपके होली के समय इसको किया जाता है, याद रखिएगा। तो होली के समय में इसको किया जाता है, और आपके खास करके कौन से जिले में, इस संभाग में किया जाता है, तो आपके बिलासपुर। तो बिलासपुर संभाग के अंतर्गत ये आपके प्रचलित है, इसको याद रखिए। रहस में क्या होता है, तो रहस में जो रंगमंच को, इसको बेड़ा कहा जाता है। PSC में क्वेश्चन पूछा गया, इसको याद रखिए। रंगमंच होता है तो इसको बेड़ा कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ जो बाबू रेवाराम है, इनकी जो रचित जो रहस्य है आपके पांडुलिपियाँ इसमें बहुत ही प्रचलित है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर का मड़ई मेला किस पर्व के बाद इसको प्रारंभ होता है या इसका आरंभ होता है, तो आपका दीपावली, होली, शिवरात्रि या रामनवमी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस्तर का जो मड़ई मेला है आपके बहुत ही यहाँ का प्रचलन में, और ये जो मड़ई मेला यहाँ पर जो विशेषकर तो यहाँ जो लोग जो लोकल जो रहते हैं जनजाति द्वारा इसको बहुत से उत्साह के द्वारा इसमें मनाया जाता है। और इसमें इस जो मड़ई मेला वर और यहाँ पे कन्या द्वारा इसमें अपने हिसाब से लोग शादी वगैरह भी इसमें अपने हिसाब से करते हैं छाट के, तो इसको याद रखिएगा। तो दीपावली के बाद इसको मनाया जाता है मड़ई मेला को। अगला क्वेश्चन देखते हैं छेरछेरा किससे संबंधित है, दीपावली से, होली से, नई फसल के काटने से, या आपके पोला से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो छेरछेरा जो त्यौहार है आपके नई फसल के काटने से ये आपके संबंधित है। कहने का मतलब है छेरछेरा जो है आपके इसका आयोजन कब होता है, तो पौष पूर्णिमा, याद रखिएगा। पौष पूर्णिमा इसका आयोजन किया जाता है, और छेरछेरा कोठी के दान ला हेरी छेरा ऐसे करके यहाँ पे एक तरह का गीत है जो हमारे
छत्तीसगढ़ अंचल में कहा जाता है, तो इसको याद रखिए। इसमें जो बच्चों घर घर जाके इसमें धान मांगते हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो छेरछेरा यहाँ पे बहुत ही धूमधाम से इसको हमारे छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, फसल काटने के उपलक्ष्य में इसको खुशी से इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पर्व में मिट्टी के बैल की पूजा होती है? ये भी आपके PSC में क्वेश्चन पूछा गया। जितना भी क्वेश्चन बनाया हूँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अगर समझ नहीं आता है तो इस बार रिवाइज कीजिए, एक से दो बार देखें तो डेफिनेटली आपको सारे रिकॉल हो जाएंगे। तो किस पर्व में मिट्टी के बैल की पूजा होती है? तो कौन सा त्यौहार है जिसमें बैल की पूजा होती है मिट्टी बना के? तो हरेली में, पोला में, अक्ति में या हलषष्ठी में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पोला करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए इसका आयोजन, जो पोला जो त्यौहार है इसका आयोजन या इसको कब मनाया जाता है? तो भाद्रपद अमावस्या में इसको मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। और इसका इस पर्व में खास करके मिट्टी के बैल के यहाँ पर पूजा की जाती है, मिट्टी के बैल बनाए जाते हैं, और इस दिन जो है किसान जो है बैलों को बहुत ही धूमधाम से इसके पूजा अर्चना करते हैं, साथ ही इसको बैल को सजाते भी हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राउत नाचा किस त्यौहार के आसपास इसको मनाया जाता है? तो आपके CGPSC 2019 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। तो दीपावली, दशहरा, होली या नागपंचमी में तो राउत नाचा आपके किस त्यौहार के आसपास मनाया जाता है? तो आपके दीपावली के आसपास इसको मनाया जाता है, आपके दीपावली के उत्सव के दौरान इसको मनाया जाता है, कार्तिक के महीने में इसको मनाया जाता है, और ये आपके भगवान कृष्ण के पूजा के प्रतीक के रूप में इसको खास करके मनाया जाता है। इसमें बहुत सारे इसमें वाद्य यंत्र वगैरह इसमें बजाया जाता है, गड़वा बाजा, ये आपके राउत जाति द्वारा इसको मनाया जाता है। इसमें केवल आपके जो मेल वगैरह मतलब पुरुष इसमें भाग लेते हैं, तो इसको याद रखिएगा। और राउत नाचा हर साल महोत्सव इसका आयोजन होता है 1978, इसको याद रखें। तो सबसे पहले 1978 से इसको मनाया जा रहा है, तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले के आपके कौन से देवकी नंदन मैदान में 1978 से प्रारंभ किया था, तो इसको याद रखें। कार्तिक के महीने में देव उठने के समय इसको मनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके खास करके मातर त्यौहार राउत लोग भी इसके तहत मनाया जाता है, सुई बांधना, ये सभी आपके राउत जाति द्वारा इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं छत्तीसगढ़ का जो लेंजा गीत होते हैं आपके किसके द्वारा इस लेंजा गीत को मनाया जाता है? तो बस्तर के आदिवासी बहुत क्षेत्रों के एक लोकगीत है, या नवरात्रि के समय गाया जाने वाला गीत है, या मुरिया जनजाति का प्रसिद्ध गीत है, या नागपंचमी के अवसर पर इसका गाया जाने वाला गीत है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लेंजा गीत जो है आपके बस्तर के आदिवासी द्वारा इसको ये गीत गाया जाता है, तो बस्तर के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में इसको ये आपके एक तहत लोकगीत है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कहाँ दशहरा बहुत ही विख्यात है? तो कवर्धा, पेंड्रा, गरियाबंद या बस्तर का? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बस्तर। सभी को पता है बस्तर का दशहरा जो कि विश्व में बहुत ही यहाँ पे प्रसिद्ध है, बस्तर दशहरा जो कि भारत का बहुत ही सबसे लंबे समय तक होने वाला दशहरा है। इसमें खास करके जो बस्तर दशहरा यहाँ पे माता दंतेश्वरी देवी को इनके प्रति समर्पित है। यह जो पर्व आपके श्रावण अमावस्या से लेकर आपके अश्वनी शुक्ल त्रयोदशी तक इसको मनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। और यह टोटल 75 दिन तक यह आपके चलता है, तो इसको याद रखिएगा। लगभग इसमें 13 अलग अलग रस्म के साथ यहाँ पर इसको मनाया जाता है। तो इसके प्रारंभकर्ता कौन है? तो इसके प्रारंभकर्ता पुरुषोत्तम देव, याद रखिएगा। 1408-1447 में इन्होंने प्रारंभ किया था। इसका लगभग 75 दिनों तक ये आपका दशहरा होता है, और इसमें अगर रस्म की बात करूँ तो लगभग 13 दिन तक ये आपका रस्म होता है। सबसे प्रथम कार्यक्रम कौन सा है? तो आपका पाट जात्रा है। फिर प्रथम रस्म कौन सा है? तो काछिन गादी है। अंतिम रस्म कौन सा है? तो मुरिया दरबार लास्ट में लगता है, और आपका एक यंत्र बजाया था तुपकी करके, तो ये आपका एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जो कि बस्तर दशहरा के दौरान इसको खास करके यहाँ के आदिवासी लोगों द्वारा इसको बजाया जाता है, तो इसको याद रखिए। यहाँ से क्वेश्चन आपसे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ का मूलतः पर्व नहीं है बोला गया है? तो इनमें से छत्तीसगढ़ के कौन से जो पर्व हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत नहीं आती है? तो हरेली, पोला, छेरछेरा, तीनों मैं अभी जस्ट पढ़ाया हूँ, तो इसका जो डी ऑप्शन हो जाएगा ओणम, जो आपका ये हमारे छत्तीसगढ़ का पर्व नहीं है। तो ओणम जो आपके कौन से राज्य का है? तो ओणम जो आपका त्यौहार हाल ही में SSC के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, तो इसको याद रखिए, ये आपका
ओणम जो है आपके कहाँ के है, आपके तमिलनाडु का त्यौहार है यहाँ, तो इसको याद रखिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छेरछेरा पर्व किस दिन मनाया जाता है? श्रावण माह की अमावस्या में, पौष माह के पूर्णिमा, माघ महीना की पूर्णिमा में, या पौष माह की अमावस्या में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो छेरछेरा भी जस्ट बताया मैं, छेरछेरा जो पर्व है इसको किस दिन मनाया जाता है, तो आपके पौष पूर्णिमा को जिस दिन मनाया जाता है, और इसमें गीत गाया जाता है छेरछेरा कोठी के धान लहर हेरा, तो बच्चों के द्वारा इसको गाया जाने वाला एक तरह का आपका गीत है, तो इसको याद रखिए, जिसमें बच्चे घर घर जाके इसमें धान वगैरह मतलब यहाँ पे इकट्ठा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरेली नामक पर्व किस दिन मनाया जाता है? तो हरेली पर्व जो आपके श्रावण अमावस्या के दिन इसको मनाया जाता है, याद रखिएगा, सावन के महीने में श्रावण अमावस्या के दिन इसको मनाया जाता है, और इसमें गेड़ी जो पर्व के नाम से भी इसको जाना जाता है, और मुख्य रूप से इसको किसानों के द्वारा इसको मनाया जाता है। हरेली जो पर्व हमारे छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है पीएससी में छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार कौन सा है, तो हरेली याद रखिएगा, तो इसको याद, किसानों इसमें जो है जो कृषि के तहत यहाँ पे जो कृषि उपकरण औजार को यहाँ पे पूजा अर्चना वगैरह करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गेड़ी का महत्व किस त्यौहार के अवसर पर होता है? तो दीपावली, हरेली, होली या पोला में? तो गेड़ी का जो महत्व अभी जस्ट बताए हैं आपके, हरेली पर्व में बहुत ही विशेष महत्व रखता है, तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब मनाया जाता है हरेली पर्व? तो सावन के महीने में श्रावण अमावस्या के दिन इसको मनाया जाता है गेड़ी पर्व, इसको अलग से इसको उपनाम भी इसको कहा गया दिया गया है, तो इसको याद रखिए। नारियल फेंक प्रतियोगिता, इसमें किसान लौह पर जो किसी के अंतर्गत जो उपकरण औजारों वगैरह इसमें पूजा अर्चना वगैरह किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरी तालिका जिसे हम तीज के नाम से जानते हैं, ये जो त्यौहार किसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, या किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? तो पुरुष, स्त्री, बालक या बालिकाओं के लिए? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हरी तालिका जो तीज होता है, यह जो त्यौहार आपके किसके लिए महत्वपूर्ण होता है, तो स्त्रियों के लिए खासकर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस पर्व में जो विवाहित जो महिलाएं होती अपने मायके जाकर पति के लिए आपके लंबो आयु के लिए व्रत इनके लिए रखती है, तो इसको याद रखिए। इसका जो इस जो हर तीजा जो तीज जो होता है इसको कब मनाया जाता है? तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीय के दिन इसको मनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपका विवाहित महिलाओं के द्वारा अपने पति के लंबी उम्र के लिए इसको मनाया जाता है, तो ये स्त्रियों द्वारा इसको मनाया जाता है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि के लिए कौन सा त्यौहार उपयुक्त माना जाता है? तो नाग पंचमी, हरेली, दीपावली या डी आपका होली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हरेली, इसको याद रखिएगा। तो इसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र ये सभी त्यौहार जो उपयुक्त माना जाता है हरेली त्यौहार को मनाया जाता है, इसको सावन या श्रावण अमावस्या के दिन इसको मनाया जाता है, बाकी आपको बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुश्ती का खेल किस विशेष त्यौहार के अवसर पर इसको खेलने की परंपरा है? रथ यात्रा, गेड़ी पर्व, नाग पंचमी या आपके हर छठ में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो कुश्ती का जो खेल आपके कौन से त्यौहार के अवसर पर इसको खेलने जाने की परंपरा है, तो ये आपका नाग पंचमी, याद रखें। तो नाग पंचमी जो मैं बहुत जगह यहाँ पर देखे होंगे छत्तीसगढ़ में खेल का भी आयोजन होता है, जिसमें आपके कबड्डी वगैरह खेल किया जाता है, तो ये आपके नाग पंचमी कब मनाया जाता है? तो ये आपके सावन शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन इसको मनाया जाता है, और इसका जो आयोजन इसमें जो दल्हा पहाड़ नाम सुने होंगे जांगीर चांपा है, यहाँ पे विशेषकर यहाँ पे मेला का आयोजन यहाँ पे किया जाता है, और इसमें कौन सा खेल किया जाता है? तो इसमें आपका कुश्ती का खेल इसमें आयोजन किया जाए, कुश्ती से संबंधित इसमें खेल का आयोजन किया जाता है, तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, तो आपका स्कोर कितना बना कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हमारा फर्स्ट पार्ट है, तो इसके पहले का जो पार्ट है छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ इसको भी पढ़ लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। तो अगर मेंस का आप रिजल्ट नहीं चेक किए होंगे तो यहाँ पे आप मिल जाए, मेरे प्लेलिस्ट में डला हुआ है, तो वहाँ पे लिंक पीडीएफ डाल दें, मेरे टेलीग्राम का लिंक, तो वहाँ आप पीडीएफ को अपना रोल नंबर डालेंगे तो आपका रिजल्ट चेक हो जाएगा, तो साथ ही साथ वहाँ पर देख लीजिएगा। तो चलिए
अच्छा लगा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।